नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड। मीरा भाईंदर, दो दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता ने एक पत्रकार परिषद लेकर कहा था कि एमएलए प्रताप सरनाईक और एमएलए गीता जैन दोनों भी इस शहर के लिए कोई भी विकास कार्य नहीं कर रहे, शहर के हित में कोई अच्छा काम इन्होंने अब तक नहीं किया है। इसके अलावा एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता ने ये भी कहा था कि शिवसेना के एमएलए प्रताप सरनाईक बेबुनियाद और झूठे आरोप लगाते हैं, शहर की जनता उनके आरोपों को गंभीरता से न ले। इस तरह के उन्होंने आरोप लगाए थे प्रताप सरनाईक पर। हम उनसे इन्हीं सवाल के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। सरनाईक साहब, क्या कहेंगे कि आप पर एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता ने कहा है कि आपके आरोप जो होते हैं वो बेबुनियाद और झूठे आरोप होते हैं? देखिए, अभी तक मैंने जो आरोप किए वो आरोप आज भी मैं कहता हूँ कि स्पष्ट रूप से वो हमारे जो आरोप है वो आरोप सही है। आज भी मैं यही कहता हूँ कि बीएसयूपी योजना में बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ है। बीएसयूपी योजना में स्थानीय लोक प्रतिनिधि और सत्ताधारी पार्टी के बहुत सारे लोगों ने अपना झोपड़ा नहीं होने के बावजूद भी महानगर पालिका की कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो दो कर्मचारी है उनके साथ आर्थिक संबंध लेते हुए उन्होंने लोगों के झोपड़े हड़प किए और अपना नाम उसमें डाला है। इसलिए आज भी बीएसयूपी की पूरी योजना में भ्रष्टाचार हुआ, ये मेरा कहना वाजिब है। साथ ही में हमने अगस्त महीने में नगर विकास तथा पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब को एक खत दिया था और उसमें कहा था कि बीएसयूपी योजना में भ्रष्टाचार है, मगर बिल्डिंग नंबर 6 पर्टिकुलर एक बिल्डिंग का हमने नाम नहीं लिया था। मगर जिस वक्त बिल्डिंग नंबर 6 के लोग हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि साहब हम 294 बाधित हैं, घर तो 314 है मगर 294 हम बाधित हैं, हम ओरिजिनल लोग हैं, तो हमारे उन 4-5 लोगों को 10-12 लोगों की वजह से बाकी के लोगों के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं 21 दिसंबर को तुरंत अधिवेशन चल रहा था, उन लोगों को लेकर शिंदे साहब को मिला और शिंदे साहब को बोला कि मैं पर्टिकुलर एक बिल्डिंग के अंदर भ्रष्टाचार ऐसे में नहीं कहा, मैंने कहा पूरी योजना में भ्रष्टाचार है। तो आप बिल्डिंग नंबर 6 का जो मैं नाम देता हूँ कुछ लोगों के, उनको नाम आप साइड में करके बाकी के लोगों के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए तो स्थगिति उठाइए। और ताबड़तोब एकनाथ शिंदे साहब ने वो स्थगिति उठाई और आज 6 नंबर के बिल्डिंग को न्याय मिला। हमको अगर बीएसयूपी योजना में कुछ भ्रष्टाचार है इसलिए अगर उन लोगों को तकलीफ देनी रहती थी तो 180 करोड़ रुपए का जो लोन है वो मैंने एमएमआरडी से सैंक्शन करके लिया ताकि वो केंद्र शासन की भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आने के बाद वो योजना बंद हो गई थी बीएसयूपी की और उनको पैसा नहीं मिला था, सब बेचारे बेघर हो गए थे, तो मैंने राज्य शासन के पास जाके वो पैसा लाया। दूसरी एक बात है कि अगर इनको इतनी ही वो योजना करने का शौक था या वो योजना जल्दी से जल्दी होनी चाहिए अगर इनका कहना था तो लोएस्ट जो निविदाकार है उनको ये निविदा मिलनी चाहिए, मगर स्टैंडिंग कमेटी में वो जाने के बाद इनके कॉन्ट्रैक्टर को काम नहीं मिला इसलिए उन्होंने वो कैंसिल कर दिया। मगर प्रशासन का मत था कि लोएस्ट टेंडर वाले को ही ठेकेदार को काम मिलना चाहिए, उन्होंने राज्य शासन के पास भेजा और मैंने वो राज्य शासन से मंजूर करके लाया और साथ ही में लोन किया। अगर वो यही उनको योजना अगर जल्दी से जल्दी बनानी होती थी तो राज्य शासन के पास जो टेंडर निविदा प्रक्रिया उसके गई तो 6-8 महीने बस जाते थे, अभी तक और दूसरी दो बिल्डिंगें होती थी, मगर वो उन्होंने किया नहीं, उसमें भी राजनीति की। इसलिए बीएसयूपी योजना में आज भी भ्रष्टाचार हो गया, ये मेरा कहना है। और मैं प्रशासन के प्रमुख के तौर पर कमिश्नर साहब को भी बोला है कि आपके जो अधिकारी है वो अधिकारी आर्थिक हित अपना पाने के लिए कुछ स्थानीय लोगों को मिलके भ्रष्टाचार करे तो उनको तबादला करना चाहिए, उनको निकालना चाहिए। महापौर महोदया ने ये भी कहा कि पानी के जो अवैध कनेक्शन है उसके बारे में भी प्रताप सरनाईक बोलते हैं, नरेंद्र मेहता जी ने भी कल ये कहा था। मैं उनको यही आह्वान कहना चाहता हूँ, अगर वो मेरा जो आरोप था वो आरोपों में अगर कुछ गलत रहता था, जो सोनौनी नाम का अधिकारी था कर्मचारी था उसका तबादला नहीं होता था, साथ ही में उन्होंने पानी के कनेक्शन जो अवैध रूप से बिल्डरों को मिले जाते थे वो बंद कर दिए, कमिश्नर ने के स्वतः खुद के पास वो पावर रखा। साथ ही में वो जो सोनौने थे उसकी इंक्वायरी भी चालू कर दी। और जो इनलीगल कनेक्शन के बारे में मैंने कहा था, आज भी मेरा यही कहना है कि बहुत सारे इनलीगल कनेक्शन इस मीरा भाईंदर शहर में है। महापौर मैडम को मैं विनती करता हूँ, उन्होंने यही कहना चाहिए कि पहले स्टार्ट मेरे वार्ड से करो, चलो इलीगल कनेक्शन है ना तो प्रभाग क्रमांक 14 के कनेक्शन पहले उतारो, बाद में वो अशोक तिवारी जी का वार्ड, बाद में और कुछ वार्ड है। ये अगर खुद महापौर महोदया प्रशासन को कहेंगे
तो मैं महापौर महोदय का एक भाई होने के नाते उनका सम्मान करूंगा, स्वागत करूंगा। मगर जो सच है, जो हकीकत है, विरोधी पार्टी का विधायक होने के नाते लोगों के सामने और प्रशासन के सामने जो काम है और जो गलत हो रहा है वो रखना मेरा कर्तव्य है और कर्तव्य से मैं पूरा का पूरा वाकिफ हूँ। लेकिन सर, जैसा आप बोल रहे हैं कि आप MLA है शहर के और लोगों के साथ में अगर गलत हो रहा है तो उनको न्याय दिलाना आपका काम है, प्रशासन आपको झूठा ठहराया है 2 मरतबा पानी के कनेक्शन के मुद्दे को लेकर और BSU स्कीम में। बिल्कुल, जो हकीकत है वो भी आप लोगों के सामने लेके आइए। प्रशासन ने मेरे दोनों काम में मेरा सहयोग किया और मुझे सपोर्ट किया। पहला काम, मैंने BSUP योजना में भ्रष्टाचार हो गया था ऐसा बोला था, बिल्डिंग नंबर 6 में नहीं, तो मैंने जैसे ही खत दिया प्रशासन को और नगर विकास मंत्री को, तो प्रशासन ने मेरे खत के ऊपर उसका जो प्रशासन का कहना था वो भेजा और तुरंत स्थगिति देने का काम भी हमने किया था और स्थगिति उठाने का काम भी हमने किया, क्योंकि गरीबों को घर नहीं मिल रहा था। बाकी के लोगों की वजह से बिल्डिंग नंबर 6 के लोगों ने, कोई 294 जो जिनका घर था उनके ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, इसलिए स्थगिति हमने उठाई, प्रशासन ने हमें समर्थन दिया और हमारा सपोर्ट किया। दूसरी, पानी की जो योजना आप कह रहे हैं प्रशासन ने हमारी साथ नहीं दी, अगर हमारी साथ नहीं देती तो पानी के जो कनेक्शन बांटे जाते थे वो कनेक्शन बांटना बंद कर दिया, वो कनेक्शन कमिश्नर साहब ने बंद कर दिए और इनलीगल कनेक्शन की इंक्वायरी चालू कर दी, ऐसा मैंने कहा। और साथ ही में जो सोनाने नाम का कर्मचारी था जो प्लम्बर होने के साथ साथ करोड़ों रुपए का व्यवहार वो करता था, उसकी इंक्वायरी करके उसका भी तबादला किया। तो ऐसा आपका कहना ये बिल्कुल सही नहीं है कि प्रशासन ने हमको सपोर्ट नहीं किया। जो सच है वो सच के ऊपर प्रशासन ने हमारी साथ दी है। सरनाइक साहब, आपके आरोप पर अधिकारियों के तबादले हो जाते हैं लेकिन लोगों को न्याय मिलने की बात तो वैसे ही रह जाती है, क्या अधिकारी के तबादले से आपके आरोप उससे न्याय मिल जाएगा? आप मुझे एक बात बताओ, 12.5 साल में विधायक हूँ, सिर्फ 12.5 साल में एक कर्मचारी, वो भी प्लम्बर, उसका तबादला हो गया। किसी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ मैं कभी नहीं और ना ही रहूँगा। 12.5 साल में जो कर्मचारी प्लम्बर के नाम पे महापालिका में सोनाने नाम का काम करता है और करोड़ों रुपए बिल्डरों से लेके या बाकी के लोगों से लेके अगर ये पानी का अवैध काम करता है तो उसका तबादला होना, तो क्या 12.5 साल में एक कर्मचारी के खिलाफ मैं बोल रहा हूँ और उसका तबादला हो गया तो उसमें गैर क्या है? और हम तो अधिकारी और कर्मचारी के साथ में रहते हैं, इसलिए हर बार मैं क्या नए नए अधिकारियों के ऊपर आरोप नहीं करता हूँ। जो सही हुआ है वो सही का साथ कमिश्नर साहब ने लिया, उसका तबादला किया। नरेंद्र मेहता ने यह भी कहा था कि आपके सरकार ने MMRDA ने राई मुर्दा का जो रास्ता है जिसका कंक्रीटीकरण होना था, जैसल पार्क का जो रास्ता कंक्रीटीकरण होना था, उनमें से जो फंड दिया था वो फंड वापस ले लिया है और विकास काम ठप हो गया, क्या कहेंगे सर? मेहता साहब तो यही भूलते हैं हमेशा, उनको लगता है कि अभी भी वो विधायक है। अभी मैं वो खाली 5 साल विधायक थे और मैं 12.5 साल से विधायक हूँ। देखिए, वो जब भी विधायक नहीं थे तभी से मैंने जो विकास की योजना आपको अभी दिखाया, 2009 का विधानसभा का इलेक्शन, 2012 में हुआ कॉरपोरेशन का इलेक्शन, 2014 में हुआ वापस विधानसभा का इलेक्शन, 2017 में हुआ महानगर पालिका का इलेक्शन और 2019 में हुआ विधानसभा का इलेक्शन। ये मैंने जो ब्रोशर थे और हमारा ही वचननामा शिवसेना का लोक प्रतिनिधि के तौर पर रहता है वो आपके सामने रखा। 2009 और 2014 में जब नरेंद्र मेहता जी आमदार भी नहीं थे, सिर्फ एक अपक्ष नगर सेवक के तौर पे काम करते थे, उनको शायद पता नहीं कि 218 MLD पानी का जो सूर्या प्रकल्प का योजना है वो मैंने उस 2009, 2012 और 2014 में रखी थी। मेट्रो, जो मीरा भाईंदर के लोग मेरे को हंसते थे, अरे मेट्रो इधर क्या आएगा, वो मेट्रो का सपना मैंने मीरा भाईंदर के लोगों को विधायक के तौर पर वहाँ पर दिखाया। साथ ही में ये नाट्यगृह, नाट्यगृह की जमीन रिजर्वेशन थी मगर बिल्डर और इनके संबंध थे इसलिए वो नाट्यगृह की जमीन चली गई और मैंने प्राइवेट बिल्डर से नाट्यगृह बना के लिया, कॉरपोरेशन का 1 रुपये भी खर्चा नहीं हुआ। इनकी पार्टी के विधायक थे मंगल प्रभात लोढ़ा, इनका लोढ़ा कॉम्प्लेक्स है उसमें सुविधा भूखंड जो उनको दिया गया था वो मैंने कोर्ट में जाके वापस कॉरपोरेशन को दिलवाया और वहाँ पे ओलंपिक साइज तरन तलाव बना के लिया। और साथ में कमिश्नर को ये भी कहा कि प्राइवेट किसी पार्टी को नहीं देना चाहिए, इसकी दुकानदारी चालू हो जाएगी, ये लोगों को ही मिलना चाहिए, गरीब लोगों को मिलना चाहिए, इसलिए कॉरपोरेशन ने वो चलाने चाहिए। घोड़बंदर किला, उस वक्त मैंने DPDC से 1 करोड़ रुपया लाया था और मेरा विधायक फंड से मैंने 75 लाख रुपया दिया, इसलिए घोड़बंदर किला आज पूरा हो रहा है। उसके बाजू में शिव सृष्टि के लिए 54 करोड़ रुपया मैंने गवर्नमेंट से लेके आया। साथ ही में बाला साहब ठाकरे कला दालन, आप तो जानते हो,
मगर बाला साहब ठाकरे कला दालन नहीं होने के लिए शहर में उन्होंने बहुत कुछ किया, मगर आखिर वो माजी विधायक हो गए। मगर बाला साहब ठाकरे कला दालन को शासन ने 38 करोड़ रुपए दिया, खासदार निधि, आमदार निधि, और हमारे लोकल चारों नगर सेवकों ने अपनी विधायक नगर सेवक निधि भी उस पर दी है। तो ये काम हम विकास के करते हैं। हम बाला साहब ठाकरे कला दालन मना रहे हैं, इसलिए स्वर्गीय प्रमोद महाजन भी मुझे आशीर्वाद देते रहेंगे ऊपर से कि मेरी वजह से उनके नाम का कला दालन हो रहा है, तो अच्छे काम है। मेजर कौस्तुभ राणा के नाम का स्मारक हो रहा है, तो ये काम हरिवंश राय बच्चन हिंदी भाषा भवन हो रहा है, वारकरी भवन इस शहर में हो रहा है, नरवीर तानाजी मराठा भवन इस शहर में हो रहा है। ये विकास कौन कर रहा है? ये तो प्रताप सरनाइक और शिवसेना कर रही है। ये क्या नरेंद्र मेहता कर रहे हैं? उन्होंने दिखाना चाहिए कि मुझे एक काम खुद के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए किया। हाँ, उन्होंने स्वार्थ के लिए काम किया। ये राई मुर्धा गाँव के पास जो बिल्डर लोग हैं, वो बिल्डर के फायदे के लिए 30 मीटर का रास्ता हमारे गाँव वालों के सर के ऊपर से, और हमारे जो भूमिपुत्र और शेतकरी है उनके बंगलों के ऊपर से और खेती के ऊपर से लेके जाने के लिए उन्होंने वो रास्ता मंजूर किया। गाँव वालों के साथ हम हैं, और हमको ऐसा विकास नहीं चाहिए जिस विकास की वजह से भूमिपुत्र के ऊपर अन्याय हो, पहली बात। दूसरा, 60 मीटर का रास्ता, वो भी मैं जानता हूँ कि जैसल पार्क चौपाटी से घोड़बंदर था, अगर उनको काम ही करना का था क्यों नहीं जैसल पार्क चौपाटी से उन्होंने काम चालू कर दिया, सिर्फ यहाँ के 4-5 बिल्डरों को, और जो रास्ता प्लान में दिखा कि उन्होंने उनका क्लब सैंक्शन कर लिया, वो क्लब को फायदा होने के लिए और आरोपों से मुक्त होने के लिए उन्होंने रास्ते का काम चालू करवाया। और आज अगर वहाँ पे कांदल वन आता है, खारफूटी आते हैं, उसकी वजह से अगर काम MMRDA रुकाती है तो हम MMRDA के साथ में रहेंगे। खारफूटी का, कांदळवन का, CRZ का संरक्षण करके वो रास्ता बनाने के लिए हम MMRDA के साथ रहेंगे। नरेंद्र मेहता ने ये भी कहा था कि हाउस टैक्स की माफ़ी का जो मुद्दा है, ये दोनों MLA को राज्य सरकार से इसकी मांग करना चाहिए, ना के लोकल बॉडी को, यहाँ की सत्ताधारी भाजपा को। क्या कहेंगे सर आप इस बारे में? देखिए, मैंने तो महापौर महोदय का बहुत बहुत अभिनंदन किया, उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने जो हाउस टैक्स का सवाल है, मुद्दा है, वो राजनीतिक ठहराव 25 जनवरी को होने वाले सर्वसाधारण सभा में लाया। मैं उनको यही कहता हूँ कि जिस तरह से मुंबई कॉरपोरेशन ने प्रशासन को साथ में लेकर ठहराव बनाया, ठाणे कॉरपोरेशन ने प्रशासन को साथ में लेकर ठहराव बनाया, उसी तरह से अभी भी वक्त है, एक हफ्ता है उस ठहराव को पारित होने के लिए, 5 दिन है, तो आप प्रशासन को साथ में लेके वो ठहराव कराए। खाली राजकीय ठहराव रहेगा तो गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगी, मगर प्रशासन को अगर वो साथ में लेके अगर ठहराव करेंगे तो निश्चित रूप से राज्य सरकार भी मान जाएगी, और हम दोनों विधायक गीता जैन और मैं खुद राज्य सरकार के पास जाके वो ठहराव मंजूर करके लेके आएंगे। जिस तरह से ठाणा में मंजूर किया, जिस तरह से मुंबई में मंजूर किया, तो हम मीरा भाईंदर के लिए भी मंजूरी लेके आएंगे। सिर्फ लोगों के लिए देखने के लिए, राज्य सरकार के आरोप ऊपर आरोप करने के लिए, और हम सत्ताधारी भाजपा, हम मीरा भाईंदर शहर के लिए कुछ करने के लिए अगर ये पॉलिटिकल ठहराव करते रहेंगे तो गलत है, इसलिए हमने ठाणे कॉरपोरेशन का ठहराव की कॉपी भी उनको दे दी। सरनाइक साहब, मेट्रो कारशेड को लेकर स्थानीय निवासियों ने विरोध जताया है, शिवसेना की क्या भूमिका है स्थानीय लोगों को लेकर? हमने स्पष्टपणे कहा कि उत्तन जाने वाला रास्ता, जो राई मुर्दा मोरवा का जो रास्ता है, किसी भी हालत में वो रास्ता हम होने नहीं देंगे जब तक गांव वाले या हमारे जो भूमिपुत्र है, शेतकरी जो है वहां के फार्मर, उनका समर्थन नहीं मिलता है तब तक हम वो रास्ता होने नहीं देंगे। शिवसेना को विकास चाहिए, इसलिए विकास की गंगा मीरा भाईंदर शहर में हम लोग लेके आ रहे हैं, मगर गाँव वालों का विरोध है, फार्मर्स का विरोध है, किसानों का विरोध है, और फिर भी MMRDA को अगर वो रास्ता चाहिए और वो रिजर्वेशन चाहिए तो MMRDA के खिलाफ रास्ते पे ऊपर उतरने के लिए भी प्रताप सरनाइक पीछे नहीं हटेगा। मैंने आज भी ये कहा है, खासदार राजन विचारे इस परिसर के लोक प्रतिनिधि है, गीता जैन स्थानीय विधायक है, मैं मीरा भाईंदर का विधायक हूँ, हम लोगों को लेके और स्थानीय नगर सेवकों को लेके MMRDA में विश्वास में रख के उस सभी किसानों को साथ में लेके काम करना चाहिए, तो हम लोग उनके साथ में रहेगी, शिवसेना उनके साथ में रहेगी। साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा, जैसे कि हमने दो दिन पहले जो पत्रकार परिषद हुई थी जिसमें नरेंद्र मेहता ने कहा था कि म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप डोले उनके आदमी एक तरह से शिवसेना के आदमी है। जब भी नरेंद्र मेहता जी का 7-11 का प्लान आता है और वो साइन करते हैं, तभी कमिश्नर उनके,
जब ही 7-11 का और भी कुछ क्लब का प्रस्ताव आता है, गार्डन के रिजर्वेशन में बिल्डिंग बनाने का, कोर्ट यार्ड बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव आता है, तो कमिश्नर उनके, अरे वो अगर उनके काम करते हैं तो कमिश्नर उनके। जब ये निविदा प्रक्रिया होती है और मेहता साहब के कॉन्ट्रैक्टर लोगों को काम देना होता है, तभी कमिश्नर साहब साइन करते हैं, तभी कमिश्नर उनके। और जब ही पॉलिटिकल इशू आता है तो कमिश्नर हमारे, ये बात क्या हो गई भाई? या तो आप तय करो कि नहीं, अगर कमिश्नर शिवसेना का है और सत्ताधारी पार्टी का है तो नहीं, मेरा एक भी प्लान 7-11 का उनके सामने मैं लेके जाऊंगा और नहीं सैंक्शन करूंगा। एक भी मेरा मर्जी का ठेकेदार है, उनका काम उनके पास नहीं लेके जाऊंगा। मैं ठेकेदारों को बोलूंगा कमिश्नर के पास से साइन नहीं लेने का, हमको नहीं करना है काम ये कमिश्नर से, क्योंकि ये शिवसेना का है। ऐसा तय करे तो मैं मानूंगा कि कमिश्नर हमारे। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। ये थे MLA प्रताप सरनाइक, जिन्होंने अपनी भूमिका रखी और शिवसेना के उन विकास कार्यों को भी इन्होंने दिखाया, गिनाया कि उन्होंने अपने चुनावी जो मैनिफेस्टो होता है, उन्होंने जो वादे किए थे वो कितने वादे उन्होंने पूरे किए, ये भी एक पत्रकार परिषद में उन्होंने बताया। अब देखना है कि इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के MLA नरेंद्र मेहता की क्या प्रतिक्रिया आती है आने वाले दिनों में। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।